जूनागढ़ में होली का दहन कैसे मनाया जाता है और साथ ही साथ होली का महत्व क्या है और होली क्यों मनाई जाती है उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहेगा। तो बिना कोई देरी किए हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि यह सबसे प्राचीन उत्सव में से एक है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहे हैं। वक्त के साथ सभी राज्यों में होली को मनाने और उसको स्थानीय भाषा में अन्य नाम से पुकारने लगे हैं। प्राचीन पर्वों की यह सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। होली का दहन, होली त्योहार का पहला दिन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेटी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो होली बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। होली का दहन के अगले दिन लोग हर्षोल्लास के साथ रंगों की होली मनाते हैं। होली भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। तो होली से संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर नारायण का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, लेकिन आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। होली के काफ़ी दिन पहले से ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। पर्व का पहला दिन होली का दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर व जहां कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है वहां होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियां और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है और दिन ढलने पर
ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस दिन आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भुना जाता है। होली के अगले दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या और द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती है। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्ति या चित्र अंकित पाए जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ढोल वगैरह की आवाज सुन सकते हो। काफी धूमधाम से होली का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो में ऐसी और नई और मजेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.